please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. बिहार के मुजफ्फरपुर में कुछ लोग हाथ में लोटा लेकर खुले में शौच के लिए जाते दिखे। बिहार सरकार ने खुले में शौच करने वाले ऐसे लोगों की निगरानी का जिम्मा सरकारी शिक्षकों को सौंपा है, जिसका कड़ा विरोध शुरू हो गया है। शिक्षक संघ ने बिहार सरकार से इस आदेश को वापस लेने की मांग करते हुए आरोप लगाया कि शौच करने वालों की निगरानी का काम शिक्षकों के लिए अपमानजनक है। सरकार का यह आदेश पागलपन से भरा हुआ है। शिक्षक नेताओं ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए दावा किया कि सरकारी खर्चे पर शौचालय बनवाने की प्रक्रिया बहुत जटिल है, जिसकी वजह से लोग मजबूरी में खुले में शौच के लिए जाते हैं। और इन आरोपों की तस्दीक खुले में शौच करने वाले भी करते दिखे। लोगों का आरोप है कि शौचालय बनवाने के लिए चलाई जा रही सरकारी योजना का लाभ गांव तक नहीं पहुंच पाता, जिसकी वजह से ये लोग गांवों में शौचालय बना पाने में असमर्थ हैं। लोगों का आरोप है कि इस योजना में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हावी है। यहाँ से फंड जा रही है, ऊपर लोग मार दे रही है, तो इसमें क्या कहा जा सकता है। हालांकि अपने फैसले पर अड़ी राज्य सरकार की दलील है कि इस काम में शिक्षक जुड़ेंगे तो सरकारी योजना का लाभ सही ढंग से लोगों तक पहुँच पाएगा, लेकिन सरकार की यह दलील शिक्षक नेताओं के गले नहीं उतर रही है। इस बीच विपक्ष ने भी राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और आरजेडी ने नीतीश सरकार के इस फैसले को तुगलकी फरमान तक करार दे दिया। पढ़ाई लिखाई ऐसे चौपट है, अब ये तो बिल्कुल शिक्षकों को पिटाई करने का, जान लेने का इंतजाम कर दिया। विरोध तेज हुआ तो सूबे के शिक्षा मंत्री खुद सफाई देने सामने आए और सरकारी आदेश को सही ठहराने की कोशिश की कि पढ़ाई को बाधित करके और शिक्षकों को इस तरह के काम में लगाया जाएगा, सो बात नहीं। सब लोगों का दायित्व है स्वच्छता के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाना। अपने फैसले के पक्ष में राज्य सरकार का तर्क है कि इससे समाज में साफ सफाई के प्रति जागरूकता आएगी। योगी आदित्यनाथ आज 3 शहरों में यूपी निकाय चुनाव का प्रचार करेंगे। उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव में प्रचार के लिए सीएम योगी आज फर्रुखाबाद, कन्नौज और फिरोजाबाद के दौरे पर रहेंगे। बिहार के मधुबनी में एक स्कूल में छापे के दौरान 400 लीटर अवैध शराब बरामद की गई। चंडीगढ़ गैंगरेप मामले में पुलिस ने 3 संदिग्ध आरोपियों के स्केच जारी किए और सुराग देने वालों को 1,00,000 के इनाम का ऐलान किया। हरियाणा के जींद में स्पेशल पुलिस ऑफिसर जसबीर की गोली मारकर हत्या कर दी गई।